भारतमाला रास्तार कार्यरत सुपरभाइजर को बंदूक देखाई जणे गिरफ। नवरंगपुर जिला रायगढ़ ब्लक सीमांतवर्ती कुंदेई थाना अंतर्गत धनरा ग्राम ठारे थिबा भारतमाला रास्ता क्यांप्रे कार्यरत सुपरभाइजर लाल खान को गतकाली संध्या पांचटा समय कांकेर स्थित सुनील सरकार और धनरा ग्रामर रंजुगंड नामक व्यक्ति मैंने मुंडे बंदूक लगाई 50,000 टंका मागिथिले। लाल खान निज जीवन को बाजी लगे हाथ बंदूक छड़े धरवाक सक्षम होते कुंदे पुलिस को खबर देवर कुंदे पुलिस घटनास्थल में पहुंची एक बंदूक सहित चारोटी गुड़ी एवं सुनील सोनकर को गिरफ्त कर सहित आउ जने फेरार थिबा जना पड़िछि। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ये काम कर रही है। कल शाम की घटना है, कल 4:30-5 बजे के बीच हमारा सुपरवाइजर लाले खान जी सब्जी लेने के लिए आए हुए थे। सब्जी लेके जैसे ही गए 4:45 बजे के आसपास गाड़ी बाइक को अपना खड़े करके जैसे ही सब्जी थैला को रखा, पीछे से दो आदमी आए, एक सुनील सोनकर और रजनू गौड़कर, दोनों के दोनों आकर फिर इसको लाले खान को तुम्हारे मालिक कहाँ है करके गाली गलौज करते हुए, तुम्हारे मालिक कौन है, कहाँ रहते हैं करके गाली गलौज किया और सीधा इसके पीछे से पकड़ के इनके कनपट्टी में रिवाल्वर तान दिया। उतने में उसका दूसरा साथी रजनू गौड़ जो है वो आके इसको धक्का मारा, धक्का मारने से ये गिर गया। गिर के देखा कि ये तो जो दूसरा आदमी जो रिवाल्वर पकड़ा हुआ था सुनील सोनकर, वो अपने गोली लोड कर रहा था, मैगजीन में डाल रहा था, गोली भी बरामद हुआ है, गोली डाल रहा था। उसके बाद ये अपनी जान माल की परवाह किए बगैर तुरंत इसको छीना, बोले 50,000 रुपये तुरंत होने, हम जान से मार देंगे, ऐसा करके तुरंत जान माल की परवाह किए बगैर ये उसे रिवाल्वर छीना। रिवाल्वर छीनने के बाद मेरे को इन्फॉर्म किया, मैंने तुरंत पुलिस को खबर की कि साहब ऐसा ऐसा घटना हो चुका है वहाँ पे, और तुरंत के तुरंत जाया करके हम लोग भी अपना हिजरी कैंप में थे। हिजरी कितने बजे हुआ था? ये करीब 4:45 बजे की बात है शाम। उसके बाद तुरंत के तुरंत हम लोग भी पहुँचे, जब तक कि पुलिस पहुँच गई थी वहाँ। पुलिस फिर उसके बाद में रिवाल्वर के साथ में उस आदमी को सुपुर्द किए, पुलिस के हवाले किए, और हम शासन प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं, ये चाहते हैं कि हम भारतमाला का केंद्र सरकार की योजना का काम कर रहे हैं। जिले का निवासी हूँ, वर्तमान में मैं भारतमाला 6 लेन प्रोजेक्ट का सुपरवाइजर हूँ। मैं कल 15/4/2022 को 4:30 बजे भारण मार्केट से बाजार करके वापस मेरा रूम धनोरा गया, मतलब 5 बजे के लगभग आसपास। मेरे से जैसे मैं बाइक से नीचे उतरा, दो जन आए बाइक से, अनजान व्यक्ति मेरे से पूछा, गाली गलौज करके पूछा कि आपका सेठ कहाँ का और कहाँ पर रहता है। तो मैं बोला मेरा सेठ दुर्ग में रहता है, और गाली देते हुए मेरे को वहाँ से, जैसे मैं बाइक से नीचे उतर के रूम साइड गया, पीछे से दोनों वो एक जन आया, उसको पता नहीं नाम तो क्या है, आया और मेरे को पीछे से पकड़ के मेरे यहाँ रिवेलर थमा दिया, बोला गाली गलौज करते, बोला हिलना मत वहाँ से, 50,000 रुपये दे नहीं तो गोली मार दूँगा। उसके बाद उसका एक दूसरा साथी था, वो आया मेरे को धक्का दिया, धक्का देने के बाद बोला वहाँ से हिलना मत नहीं तो तुम्हारा गाड़ी पूरा जला देंगे। और उसके बाद जैसे मैं वहाँ से धक्का दिया, मैं सीधा हुआ, तब उसका साथी दूसरा था जो रिवेलर था ना, उसमें मैगजीन डाल रहा था, तो मैगजीन डाल के जैसे मैं यहाँ बंदूक थाम रहा था, मैंने मेरी जान की परवाह किए बगैर उसके हाथ से रिवेलर खींच लिया और दबोच दिया उसको। और उसका एक साथी था। नवरंगपुर गगन गंतायतों रिपोर्ट, विश्व विजयी न्यूज ओडिशा।